जात पात के बंधन से ऊपर उठकर अपने गांव के ही पड़ोसी प्रेमी संघ शादी रचाने वाली नवविवाहिता निशा भारती अपने पति मनीष पासवान को पाने के लिए बांका से लेकर भागलपुर तक की सड़कों की खाक छान रही है और अधिकारियों के दर पर अपने पति के साथ रहने की गुहार लगा रही है। नवविवाहिता निशा भारती ने बताया कि वो यादव समाज से आती है और उसका पति पासवान जाति का है। वो अपने प्रेमी मनीष पासवान के साथ पिछले 7 वर्षों से प्रेम कर रही थी। इसी दौरान वह उसकी साथ रिलेशन सिप में भी रही और एक बार उसने गर्भ धारण भी कर लिया था। उसने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर मनीष पर जब शादी के लिए दबाव बनाया तो उसके बाद लड़के के परिजनों माता और पिता ने निशा को बुलाकर अपने सामने मनीष से उसकी मांग में सिंदूर भी भरवाई थी। शादी होने के बाद लड़के के परिजनों ने दोनों को भागलपुर के कहलगांव स्थित एक होटल में हनीमून मनाने भेज दिया। नवविवाहिता जोड़ी होटल में 4 दिनों तक पति पत्नी के रूप में रहे। इस दौरान लड़के के पिता ने दोनों को कोर्ट मैरिज के लिए बांका बुलाया और लड़के के पिता संजय पासवान ने निशा भारती को उसके पिता दयानंद यादव और उसके परिजनों को सौंप दिया। निशा का आरोप है, इस दौरान जब अपने पति के साथ जाना चाह रही थी तो उसके पिता और परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई करते हुए उसे अपने घर ले आए। उसके बाद अपने परिजनों के जवाब में मनीष पासवान निशा को छोड़कर घर से फरार हो गया, जिसके बाद लगातार निशा पागलों की तरह बांका से लेकर भागलपुर तक की सड़कों पर अपने पति को खोज रही है और अधिकारियों की डगर पर पहुंचकर अपने पति संग रहने की गुहार लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जात पात के बंधन को तोड़कर शादी के बंधन में बंधने वाली निशा को कब तक न्याय मिल पाता है। वो 17 मई को शादी हुई थी और 21 मई को हम लोग को अलग कर दिया गया। कौन क्या? लड़का का पापा और मेरे पापा दोनों मिल गए। क्या था? लड़का का पापा बोले क्या आज कोर्ट में शादी करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग को लाके बस अलग कर दिया। हम दोनों को लड़का को फरार कर दिया, बस हम उसके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, क्यों अलग किया? कोई कारण तो होगा। वो मतलब कास्ट के वजह से, वो अलग कास्ट है, हम अलग कास्ट। आप कौन तो कास्ट? हम यादव हैं, वो पासवान से। कास्ट ब्याज कैसे हुआ था? अब वो 2017 से ही प्यार करते थे, क्लास 10 9th में था तो हम 8th में थे। यहाँ डीआईजी सर के पास आए थे आवेदन देने के लिए। डीआईजी सर एसएसपी सर के पास भेज दिए, वहाँ से नोटिस बांटा जाएगा। बहुत परेशानी जननी से हुई है, लॉज में रुक गए हैं, उसके बाद में जल्द से जल्द हमको अपना पति के पास भेज दें। वृद्ध आश्रय गृह से लगातार वारदात होने की घटना सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही बच्चे की संदेहास्पद मौत हुई थी, वहीं अब महिला कर्मचारी द्वारा बुरे तरीके से बच्ची की पिटाई करने का मामला भी सामने आया है। लगातार इस तरह से वारदात से वृद्ध आश्रय स्थल भागलपुर प्रश्न चिन्ह के घेरे में फंसता चला जा रहा है। आखिर इसकी सुध कोई पदाधिकारी क्यों नहीं ले रहे? वहाँ के महिला कर्मचारियों द्वारा बच्चों को मारने की बात तब सामने आई जब 2-4 महिलाएं वृद्ध आश्रय स्थल के सामने रोती बिलखती नजर आई और जोर जोर से यह गति निराई कि मेरी बच्ची को मत मारो। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेता है। वहीं इसको लेकर कुछ महिलाएं काफी आक्रोशित दिखी। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर के CTSP श्रीराज ने बताया कि इस पर जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा और CCTV फुटेज खंगाली जाएगी और विशेष टीम का गठन कर इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उसे चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई कर उन्हें सजा दी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त है, इसमें फांसी से इनकी जो है मृत्यु बताया गया है। इस संबंध में बड़ी पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक SIT का गठन किया गया है जिसमें कि SDPO 2 नाथनगर और DSP प्रोबेशनर एक है रीता और महिला थाना अध्यक्ष, इन तीनों की एक टीम बनाई गई है। आज ये तीनों टीम के द्वारा घटनास्थल का जो है निरीक्षण करके और जाँच भी किया जा रहा है ताकि अन्य बच्चियों का भी बयान लिया जा रहा है क्या कुछ संदिग्ध मामला है या नहीं। इसके पहले भी एक बच्चे की मौत, जैसा कि आपने बताया था, तो इसी को हम लोग देखते हुए प्रियम करते हुए SSP सर के द्वारा एक SIT टीम, विशेष टीम बनाया गया है और इस पूरे मामले की और क्या कमी रही, क्या इस पूरे को लेकर जांच किया जा रहा है कि कहीं कुछ अन्य मामले भी नहीं। CCTV में कुछ है? CCTV आप देखते हैं, जो टीम बनी है इनका जो रिपोर्ट आता है, इन दोनों टीम जाँच कर रही है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक।
ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बहादुरपुर रेलवे ट्रैक पर आज सुबह एक युवक की लाश मिली। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कल ही शिवम अपने परिवार के साथ काठमांडू से अपने घर आया था। इसके बाद कल शाम किसी काम से शिवम अपने घर से निकला और जब रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई, जिसके बाद आज सुबह पता चला कि एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के फूफा सोनू कुमार ने बताया कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं चल पा रहा है, हालांकि किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सामने 6 बजे घर से वो निकला, लेकिन जब उसको 8 बजे तक सबको फोन किया, दोस्त वही भी उसको फोन किया, किसी का नहीं रिसीव कर रहा था, हम भी किए रिसीव नहीं किया, तो मेरा कॉल वो कॉल बैक तुरंत करता था। जब फिर सोचे कि 8 बजे अभी 8 बजे आएगा, हम भी अपना खा पी के सबको निश्चिंत हो गए। 11 बजे तक नहीं आया तब उसको खोजना शुरू किए। जब खोजने लगे तो कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गया है, क्या हुआ है। फिर सुबह भी खोजते खोजते कुछ ट्रेस दिया कि इधर है उधर है, जब खोजे तो बाद में पता चला कि यहाँ रेलवे ट्रैक पर लगता है। मारने उड़ने का किसी पे शक नहीं है, कुछ किसी दुश्मनी किसी से कोई दुश्मनी उसका नहीं है। भागलपुर में जिला ई रिक्शा चालक संघ के बैनर तले भागलपुर के एक निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि भागलपुर में जो सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर कोडिंग करवाई जा रही है वो अवैध है। भागलपुर जिला ई रिक्शा चालक संघ के सचिव राजकुमार झा ने बताया कि बैटरी चलित ई रिक्शा में किसी तरह की कोई परमिट की जरूरत नहीं पड़ती, और जब यदि परमिट की जरूरत ही नहीं है तो फिर कोडिंग किस बात का। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि कोडिंग व्यवस्था को बंद नहीं कराया गया तो सभी ई रिक्शा चालक सांकेतिक हड़ताल पर बैठ जाएंगे और शहर में आवागमन ठप हो जाएगा। वहीं जब ई रिक्शा चालक संघ के सचिव से पूछा गया कि ई रिक्शा में कोडिंग करने को लेकर पैसा लिया जा रहा है तो उन्होंने कड़े शब्दों में यह भी कह दिया कि अध्यक्ष के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, वो अध्यक्ष अवैध है, उसको ई रिक्शा चालक संघ अध्यक्ष नहीं मानता। देखिए मेन परेशानी जो अभी शहर में है कि ई रिक्शा अब रूट में ही चलेगा, अगर किसी का एक रूट है वो ई रिक्शा दूसरे रूट में नहीं जाएगा, उसके जिला प्रशासन के लोग उसको चिन्हित कर रहे हैं और कुछ लोग उसके बीच में जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सम्मेलन के माध्यम से कि ई रिक्शा बिना परमिट का है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ी को परमिट मुक्त रखा है और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये परमिट इसका नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, नियम सबके लिए बराबर, ये कहीं रूट में बांधने का जिला प्रशासन का अधिकार नहीं है। परमिट निर्गत करता है आरटीए बोर्ड निर्गत नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि परमिट मुक्त है ये। तो जब परमिट मुक्त है तो आप रूट में इसको कैसे बांधेगा। इसकी जन्म जो हुआ है नगर सेवा में, नगर के किसी भी गली मोहल्ला रोड में घूमने का अधिकार प्राप्त है,
जिसको जिला प्रशासन के लोग इस अधिकार पर हनन कर रहे हैं और इस हनन के खिलाफ यहाँ सम्मेलन हो रहा है और इस हनन के खिलाफ एक दिन का हड़ताल का भी घोषणा होगा। नगर निगम कर्मचारी संघ के बैनर तले आज नगर निगम सफाई कर्मचारी के द्वारा लाजपत पार्क के मैदान में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को एवं नगर निगम से हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लड्डू हरि ने कहा कि नगर निगम में आए दिन घुसखोरी, नगर निगम सफाई कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार के साथ सफाई एजेंसी के द्वारा समय पर वेतन नहीं मिलता है। इसी बात को लेकर आज हम लोगों ने मिलकर बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया, यदि बहुत जल्द हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग सामूहिक हड़ताल करेंगे, जिससे कि नगर निगम का सफाई कार्य ठप हो जाएगा। आए दिन नगर निगम के अंदर में सफाई एजेंसी के द्वारा जो अन्याय अत्याचार हो रही है, घुसखोरी का मुद्दा है, उसके बावजूद कम वेतन में हम लोग कर्मियों को, वैसे कर्मी जो डेली सुबह सफाई करने के लिए पूरे शहर को जाता है और वैसे कर्मी के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है, समय पर वेतन नहीं दिया जाता है, उसके बावजूद भी वेतन बढ़ोतरी आई हुआ है। यहाँ 2024 का वेतन की भी मांग है कि वेतन बढ़ा के दिया जाए, कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये वेतन हो, जिससे इनका रोटी रोजी और रोजगार चल सके, इनका बाल बच्चा का भरण पोषण हो सके। आज हम लोग का सभा है इसलिए कि जो भी समस्या है उन समस्याओं के अंतर्गत के अनुसार हम लोग एक बैठक रखे हैं और हम लोग समस्याओं लेकर को इसलिए रखे हैं कि यदि अगर हम लोग के साथ में सौतेला व्यवहार होता है, अगर वाजिब मांग पर कार्रवाई नहीं होती है, मांगों पूर्ति नहीं की जाती है, तो हम लोग लास्ट में बाध्य होकर तमाम सफाई कर्मचारी, शहर का नगर निगम को कर्मचारी जितने भी लोग हैं सभी सफाई का काम को ठप कर दिया जाएगा। मेरा नाम लड्डू हरि है, नगर सफाई कर्मचारी का अध्यक्ष है। श्री सावरिया सेवा ट्रस्ट भागलपुर के द्वारा श्री श्याम महोत्सव का तृतीय वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव 8 जून से शुरू होकर 9 जून तक आयोजित होगा, जिसमें बाहर के कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी भजन संध्या का आयोजन होगा। इस आयोजन को लेकर देवी बाबू धर्मशाला में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। इस प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष नंद किशोर कोटरीवाल ने बताया कि 8 जून को बाबा श्याम की पालकी खाटू श्याम मंदिर से निकाली जाएगी, जो पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद देवीबाबू धर्मशाला में समाप्त होगा। इस पालकी शोभा यात्रा में बच्चों के द्वारा झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। साथ उन्होंने कहा कि 9 जून को सुबह 8 बजे से 108 महिला भक्तों के द्वारा श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ की जाएगी एवं संध्या के 5 बजे भजन संध्या का आयोजन होगा। श्री सावरिया सेवा ट्रस्ट भागलपुर द्वारा श्री श्याम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार श्री सावरिया सेवा ट्रस्ट द्वारा तृतीय वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इस बार 2 दिवसीय रखा गया है, 8 जून शनिवार और 9 जून रविवार को। 8 जून को संध्या 5 बजे से खाटू श्याम मंदिर मंडोदा से बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकलने वाली है। भागलपुर के स्थान कलाकारों के द्वारा उनके मीठी मधुर आवाज़ में भजन की प्रस्तुति होने वाली है। इस बार बाबा का शीश विराजमान किया जा रहा है, बाबा को 56 भोग लगने वाला है, बाबा के साथ फूल की होने वाली है और साथ ही साथ इस बार अगर विशेष अपने लोग बात करें तो बाबा को 100 किलो सुदघी से बने मोटी चूर के लड्डू का बाबा को भोग लगने वाला है। जय श्री श्याम।